वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 9 का जो लेटेस्ट वर्कआउट का 15.4 है, चैप्टर 15 का वो लेटेस्ट वर्क का बनाएंगे। अभी चैप्टर की शुरुआत बाकी है, ये एप्लीकेशन सब है, एप्लीकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर 3 है 15.4 का लेटेस्ट वर्कआउट में। तो इसमें जो है सवाल है आपका, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रेंगल इज 12 × √2 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट फील्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रेंगल है। तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रेंगल मतलब आप लोग समझ गए होंगे किसको, ये कौन सा ट्रेंगल होगा। ये एक ऐसा ट्रेंगल होगा जिसका जो दो मेजरमेंट होगा यानी हाइट और जो बेस होगा वो होगा एक जैसा। इसका नाप दिया हम लोग को 12 √2 सेंटीमीटर इसका, लेकिन इसका इसका नाप जो है एक जैसा होता है तो उसको हम लोग आइसोसेल्स ट्रेंगल कहेंगे। तो इसका अगर मान लेते हैं x हो तो इसका भी x होगा, यानी बेस भी x होगा, हाइट भी x होगा। तो इसकी मदद से हमको क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो इस एरिया निकालने के लिए उस फील्ड में जो है उसके फील्ड का जो हाइट है या फिर जो बेस है उसको निकालना होगा सबसे पहले। तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट, इसका पहले नाम दे देंगे हम लोग ए बी सी, ये तीनों है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हूज एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो ए बी सी एंगल है ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लेट मानते हैं सपोज ए बी इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं ए बी का जो वैल्यू है वो एक्स सेंटीमीटर है, तो जो बी सी होगा वो भी एक्स होगा, तो इसलिए बी सी इक्वल टू एक जैसा होगा। तो इसलिए हम लोग जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो ए सी होगा, यह हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का बराबर है। हाइपोटेनस स्क्वायर जो है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक जैसा होगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, याद रखेगा कि हाइपोटेनस ए सी है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए सी का जो वैल्यू कितना है, वो कितना है, इसका जो वैल्यू है ए सी का वैल्यू है 12 √2। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ही बैठा देते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस बी सी का वैल्यू एक्स है तो उसके लिए भी एक्स होगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा इसमें प्लस होगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होगा ये रूट इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है उसमें जो रूट आ जाएगा इसके लिए, और ये रूट जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे शायद या फिर। और ए सी इक्वल टू
यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट अंडर 2x, ठीक है, यानी ये वाला स्क्वायर और ये जो रूट है इसका वो हट जाएगा, सिर्फ जो है इसमें रूट टू में, यहाँ पे सॉरी रूट टू में सिर्फ होगा रूट टू एक्स होगा, रूट टू एक्स इसका वैल्यू, एसी का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रूट टू एक्स इजल टू जो होगा वो 12√2 होगा, यानी रूट टू एक्स इजल टू कितना है, एसी है, तो एसी हम लोग का कितना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है 12√2 है, 12√2, तो यहाँ पे रूट टू और रूट टू काट सकते हैं, तो इसलिए हम लोग का एक्स कितना होगा 12। एक्स हम लोग क्या माने थे, एक्स हम लोग माने थे ए बी या फिर बी सी दोनों, तो इसके बाद हम लोग ए बी निकल गया, इसलिए ए बी इजल टू कितना 12 सेंटीमीटर इजल टू बी सी भी कह सकते हैं हम लोग इसको, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसके मतलब बाद हम लोग जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इजल टू, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा 12 इंटू हाइट, हाइट भी 12 होगा क्योंकि एक जैसा होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर 6 12 से 72, तो यहाँ पे देखिए एरिया निकल गया, ये हो गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया होगा। ये 3 नंबर कंप्लीट, इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ आवर रेक्टेंगुलर ऑफ आवर ट्रेंगुलर पार्क आर 65, 70 mm and 75 meters. Let us write by calculating the length of perpendicular drawn to, from opposite vertex on the longest side. तो यहाँ पे बोलता है कि एक ट्रेंगुलर एरिया है जिसका जो नाप है मेजरमेंट है वो है 65 cm, 70 m, 75 m उसका जो तीन साइड का जो लंबाई है। Let us write by calculating the length of perpendicular drawn from opposite vertex on the longest side. मतलब उसमें जो है अगर एक जो परपेंडिकुलर है अगर खींचा जाए अपोजिट साइड से सबसे लंबा साइड का, तो उसका जो नाप होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो इसका पैरामीटर है या फिर सेमी पैरामीटर है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो तीनों साइड का जो जोड़ करके जो दो से डिवाइड कर देना होगा, तो तीनों साइड हम लोग का 65 + 70 + 75 बाई 2, इसके बाद आ जाएगा 210 हो जाएगा टोटल जोड़ के, तो 210 बाई 2 इक्वल टू 105 meters हो गया इसका सेमी पैरामीटर। अब निकाल सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, एरिया निकालने के लिए इसका अलग फॉर्मूला है, सेमी पेरीमीटर की मदद से अगर एरिया निकालेंगे तो उसका आ जाएगा एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया एरिया। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना है, सबसे पहला सेमी पेरीमीटर हम लोग का 105 इंटू 105 माइनस
यहाँ पे हम लोग इंटू दे भी सकते हैं, अगर नहीं देंगे तब भी चलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ही इंटू है। तो 105 माइनस ए, ए जो होगा वो पहला नाप होगा, वो होगा 65 इंटू फिर ब्रैकेट 105 माइनस बी मतलब दूसरा नाप मेजरमेंट जो है वो 70 इंटू फिर हो जाएगा 105 माइनस सी यानी 75। तो अब हम बनाएंगे इसको, यहाँ पे पहले रूट दे देंगे 105 इंटू 165, 105 में 65 चलाने से कितना हो जाएगा, 105 में अगर 65 चले तो यहाँ पे हम लोग का 40 बचेगा इंटू 105 में 75 जाने से बचेगा 30। यहाँ पे देंगे स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको तोड़ना चाहें 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105 हो गया इसका ख़त्म। अब 40 को तोड़ेंगे तो इसको छोड़ने के लिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, ये दूसरा वाला ख़त्म हो गया। अब तीसरे वाले को अगर 35 को ये करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 7 तो 7 × 2 = 7 × 35 5 दे देंगे डायरेक्ट, 7 × 35 आ गया। और 30 के लिए हम करेंगे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। यहाँ पे स्क्वायर मीटर दे दीजिएगा लास्ट में। तो जो जोड़ा वाला है उसको हम लोग को लेना होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले आ जाएगा अगर जोड़ा वाला को लेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जोड़ा है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो 2 लेंगे, एक हो गया। एक कपल का 1 लेना होगा सिर्फ। 3 देखिए अब यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 1 3 लेंगे सिर्फ। 2 अगर है तो उसको 1 लेना होगा। यहाँ पे 5 1 2 है, 2 2 है, 3 2 है, 4 2 है, इसका मतलब 2 लेना होगा हमको। 5 इंटू 7 1 है, 7 यहाँ पे 1 है, 2 7 है, तो 1 7 ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर मीटर इक्वल टू, अब इसको तो इसके लिए हमको पहले रूट को यहाँ पे हटा देना होगा, रूट नहीं देना होगा सॉरी इसके लिए, क्योंकि एक एक करके लिए हम लोग ये रूट नहीं होगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 5 = 300, 300 × 7 हो जाएगा 2100। तो रूट को हटाने के लिए हमको एक कपल में 1 लेना पड़ा, यहाँ पे जैसे 1 है, 2 यहाँ पे 2 है तो 1 लिए इसके लिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 हो गया, एक कपल के लिए 1 लेना होगा। तो इसका ये एरिया निकल गया। अब जो वो परपेंडिकुलर खींचता है ओपोजिट साइड में, तो उसके लिए पहले हमको लिखना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम द ओपोजिट वर्टेक्स। Vertex to the longest side is equal to, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 × एरिया ऑफ द पार्क by length of longest side
टू इंटू एरिया जो निकला हम लोग 2100 बाई लेंथ जो है उसका लॉन्गेस्ट साइड का कितना है 75 मीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही है 75, तो डिवाइड करने से आ जाएगा हम लोग 56 मीटर। यह हो गया इसका आंसर, क्योंकि वहाँ पे सवाल में बोला है कि एक जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसमें वो लॉन्गेस्ट साइड का ही नाप से जो है खींचा गया, तो लॉन्गेस्ट साइड हम लोग कितना है 65, 70, 75, सबसे ज़्यादा कम जो है 75 है, तो इसलिए उससे हमको डिवाइड देना पड़ा, तो इसका आ गया उसका आंसर। इसके बाद देखते हैं नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 में जो है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू ट्रेंगल्स विच आर ड्रॉन बाई सुजा एंड मी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 4:3। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू बेसिस। यह बोलता है कि दो ट्रेंगल है जिसका हाइट का जो रेशियो है वो है 3:4, यानी एक ट्रेंगल का हाइट अगर 3 है तो दूसरा ट्रेंगल का जो हाइट होगा वो 4 होगा। तो अगर उसका जो एरिया का जो रेशियो है वो है 4:3, यानी पहला वाले का 4 है एरिया और दूसरा वाले का 3 है एरिया, तो उसकी जो है जो बेस है उसकी क्या रेशियो होगी दोनों की। तो इसके लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा लेट द हाइट्स ऑफ द टू ट्रेंगल्स आर 3x यूनिट एंड 4x यूनिट एंड देयर बेसिस आर 1 यूनिट एंड बी यूनिट, क्योंकि हाइट दिया हुआ है 3:4, तो 3 की जगह हम लोग 3x लिखेंगे और 4 की जगह 4x लिखेंगे, यूनिट आ गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रेंगल्स इक्वल टू, तो एरिया निकलने का फॉर्मूला जो क्या है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस पहला वाले का कितना है ये इंटू हाइट कितना है, हाइट है 3x, इसके बाद यहाँ पे इस 2 आ जाएगा, ये पहला वाला का एरिया निकल गया, दूसरे वाले का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है बी, हाइट कितना है 4x। अब हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं इसको, तो काटने के बाद मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 2 इधर ख़त्म हो जाएगा, ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस 2 में है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3ax इस 2 4bx। अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम (3ax = 4bx = 4:3), यानी उसका जो हाइट का रेशियो दिया है वो एरिया का जो रेशियो दिया है वो 4:3 है, तो पहला वाले का जो एरिया है 3ax वाला का 4 4bx वाला का जो एरिया है वो 3 है, तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग, या फिर इस 2 दीजिएगा बराबर नहीं होगा, और हम लोग लिख सकते हैं 3ax / 4bx = 4/3, क्योंकि इधर अगर बाय कर दे डिवाइड कर दे इधर भी डिवाइड करना हो तो यहाँ पे एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे
ए बाय बी लिखेंगे। ए बाय बी लिखने से जो ये वाला ये है इससे गुण हो जाएगा और ये वाला इससे गुण हो जाएगा, तो 4 × 16 / 3 × 3 = 9। ए बाय बी इक्वल टू 16/9, इसलिए ए इज टू बी इक्वल टू 16:9। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो बेस का रेशियो निकल गया। पहला वाले का जो बेस का रेशियो माने थे वो ए माने थे, मतलब 16 होगा। बी वाला बेस दूसरा वाले का बी माने थे तो वहाँ पे 9 होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द रेशियो ऑफ द बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू 16:9। आंसर ये रेशियो निकल गया उसका बेस का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको चैप्टर नंबर जो 15.1 है, लेट अस डू द सम, ये वाला बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो 15.1 का। अभी तक एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।